मेरा ड्रामा सीरियल दागे दिल देखने के लिए सब्सक्राइब करें हम टीवी का यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये सब मैंने तुम्हारे और मानूर के लिए कितने शौक से बनाए थे, उस बेचारी को तो नसीब नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह तुम्हें पहनने नसीब होंगे। अम्मी आप ये सब कुछ निकाल कर क्यों देख रही हैं? बेटा मैं चाहती हूँ कि ये सब अब तुम संभालो, तुम्हारी अमानत है। नहीं अम्मी, ये आप अपने पास रखें, अपनी तिजोरी में, ये आपके पास ज़्यादा महफूज है। अब वो बात नहीं रही, अलमास के तेवर बहुत बदल गए हैं, डर लगता है तुम्हारे चाचा ये कब बदलेंगे। आप ठीक कह रही अम्मी, तो वाकई बहुत बदल गई हैं। वो नहीं बदले, हमारे हालात बदल गए हैं। इस घर की बेटी ने इस घर की बहू को मौका दे दिया हम पर हुक्मरानी करने का। अब तो चाचू भी उन्हें कुछ नहीं कहते, हर वक्त उनकी सुनते रहते। वो सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है, हमारे आगे तो उसकी गज भर की जबान हो गई है। सोचो वो कबीर को क्या बातें बताती होगी, वो तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती हमें इंसल्ट करने का। उन्हें मौका मिल गया अपने रद्द किए जाने का बदला लेने का, बस क्या करें, इस घर की बहू है और इस घर की इज्जत है, और अपने मियाँ को भी बेवकूफ़ बनाकर रखा हुआ है। कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें इज्जत राजी नहीं आती। ये सब संभालियो। हमारे यहाँ माफ़ करने का उसूल तो नहीं है। अगर आप इतनी बेबस और लाचार हैं कि दिल चाहता है आपकी हर गलती को माफ़ कर दिया जाए। क्या यहाँ हर बेबस के साथ यही सलूक किया जाता है? नहीं, खूबसूरत और बेबसी के साथ। आप कब तक अपनी जान को यूं रोग लगा के रहेंगी? भूल जाइए ना सब कुछ, हम भी भूल जाते हैं। मैं कुछ नहीं भूल सकती। आप कब तक यूं रोती रहेंगी, क्यों इतनी परेशान होती हैं? देखिए देखिए कितनी खूबसूरत है आप, अपनी इस खूबसूरती की कदर करना सीखी है ना, क्यों नहीं करती कदर आप? मत रोया करें, सब ठीक हो जाएगा, समझी? क्यों बना खुद से तो